वन आज मैं क्लास यूकेजी और क्लास फर्स्ट का मैंने कंबाइन कर दिया है। माय फैमिली का जो पूरा सिलेबस है ईवीएस में जो है, तो वो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं और क्या क्या समझाएं, तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। इसमें जो मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, इसमें कुछ पार्ट ही कम है जो यूकेजी वाले बच्चों को पढ़ना है, बाकी लगभग सब पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय फैमिली ये ईवीएस में आता है बच्चों के। तो पहले आपने बच्चों को बताना है न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें पापा मम्मी और बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ज्वाइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और अंकल आंट रहते हैं, जिसमें हमारे ब्रदर सिस्टर रहते हैं और हमारे कजन्स रहते हैं, तो वो हमारी होती है ज्वाइंट फैमिली। आप कोशिश करिए जब भी अपने बच्चे को बताएं तो अपने अपने जो फैमिली है उसको रिलेट करके बताइए, जैसे जो भी आपके मीन्स जैसे भी आप लोग रह रहे हो, या फिर कम से कम ये बताइए कि ग्रैंड पेरेंट कौन है, ग्रैंड फादर कौन है, ग्रैंड मदर कौन है, तो इस तरीके से बताइए। फिर ये देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन, और ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, कजन्स और चिल्ड्रन रहते हैं। पेरेंट्स कौन होते हैं? फादर और मदर होते हैं। आपने बच्चों को कैसे समझाना? फादर, फादर कौन है? पापा, डैडी, जो भी आप लोग बोलते हो बच्चे को। मदर, मम्मा, इस तरीके से। चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं? सन या डॉटर। लेकिन आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? जैसे सन, अगर वो बेटा है तो आपको समझाना है कि जैसे आप सन हो हमारे, डॉटर हो, और आपस में क्या होंगे? ब्रदर सिस्टर। तो इस तरीके से समझाना है। फिर फर्दर आप बच्चे को कैसे लेके जाओगे, कैसे आपको बताना है ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं। पेरेंट्स ऑफ अवर पेरेंट्स मीन्स हमारे जो मम्मी पापा हैं वो उनके मम्मी पापा होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं। पेरेंट क्या होते हैं? फादर एंड मदर, जो मम्मी और पापा हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। अंकल क्या होते हैं? या तो फादर के ब्रदर होंगे। आप अपनी, मैं बार बार बोली हूँ, आप अपनी फैमिली को रिलेट करके ही बोलिए, जो भी हो, जैसे वो आपके अंकल हैं, या फिर जो मदर्स के ब्रदर हो, ब्रदर होंगे, मतलब मम्मा के ब्रदर होंगे, वो भी हमारे अंकल होंगे। जैसे यहाँ पे वैसे होता है, हिंदी में आप बोले तो चाचा होते हैं, चाचा लोग होते हैं फादर के साइड, और इधर ये मामा साइड होते हैं, तो ये सब अंकल होते हैं। आंट क्या होती है? फादर की सिस्टर हो सकती है, जिन्हें कई लोग बुआ, फूफी, इस टाइप से बोलते हैं, तो वो आंट होती है। और मासी जो बोलते हैं, मदर सिस्टर, वो होती है आंट। और ये अंकल की जो वाइफ होती है, जिन्हें आप चाची या मामी बोलते हो, वो होती है हमारी आंट। तो ये कॉमन वर्ड है अंकल यूज करना है फादर को छोड़ के, चाहे वो पेरेंट मम्मी के साइड के हों या पापा के साइड के। कजिन कौन होते हैं? कजिन, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, जो हमारे अंकल और आंट होते हैं, चाहे वो मामा मामी हो, चाहे वो चाचा चाची हो, चाहे वो आप बोल सकते हो बुआ फूफा हो, तो उस तरीके से क्या है, उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो सब हम बच्चों के क्या होंगे, जिन बच्चों को आप एक्सप्लेन करें वो आपके कजिन है। इसमें आप जितना रिलेट करेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे जिसका भी नाम हो, जैसे मान लीजिए चाचा के बेटे का नाम आर्यन है, तो आप बोलोगे आर्यन आपका कजन है, इस तरीके से। नेफ्यू, नेफ्यू आपको ये जैसे यूकेजी में नहीं बताना है नेफ्यू नीस, ये हमें क्लास फर्स्ट में बताना है। नेफ्यू, नेफ्यू कौन होता है? अगर जैसे बॉय है तो वो हम अंकल का नेफ्यू होगा, भतीजा होगा या भांजा होगा। अंकल का बॉय है तो नेफ्यू होगा अंकल की तरफ से, और गर्ल होगा तो वो क्या होगी? नीस होगी। तो अंकल की आप क्या हो? नीस हो। सिबलिंग क्या होता है? ओन ब्रदर और सिस्टर, खुद का भाई बहन। दो दो अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं तो वो आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। जैसे अगर हम ये न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स हैं, इस तरीके से। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? पेरेंट्स, पेरेंट आप बता सकते हो, या फिर फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव इन अ हाउस, सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं किसी घर में, तो वो होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली। जबकि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स लिविंग इन सेम हाउस, एक ही घर में सारे लोग रह रहे हो, ये सारे लोग रह रहे हो, तो वो क्या होती है हमारी? फिर से ये होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल फैमिली क्या होती है? और न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसी को हम लोग स्मॉल फैमिली कहते हैं। बिग फैमिली क्या होती है? जो ज्वाइंट फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिग फैमिली कहते हैं। अब आप फिलअप्स कराइए इस तरीके से, और उसमें हिंट्स भी दीजिए, तो बच्चे को ये ज्यादा क्लियर होगा, और यही जरूरी है, और इसी को आप वर्कशीट में यूज कर सकते हो यूकेजी फर्स्ट आगे जाके।
जैसे मेंबर ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर, सारे लोग कैसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं. अ जॉइंट फैमिली हैज मेंबर्स लिविंग टुगेदर मैनी. जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स साथ रहते हैं. अवर अंकल्स वाइफ इज अवर, हमारे जो अंकल की वाइफ होगी वो क्या होगी, आंट. आई एम माई अंकल्स, मैं अपने अंकल का क्या हूं. अब जैसे जिसकी भी बात कर रहे हो, जिस भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, नीस या निफ्यू जो भी है, गर्ल या बॉय के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए. ये बच्चे से आप पूछिए आई हैव हाउ मेनी अंकल्स, बच्चे से आप पूछिए आपके कितने हैं. जैसे मान लीजिए टू अंकल्स हैं, वन आंट है या टू आंट है. वन आंट मतलब अभी एक अंकल की ही शादी हुई, अगर दोनों अंकल की हो गई हो तो आप ऐसे भी करवा सकते हो टू आंट. स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल फैमिली को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर. माय फादर्स ब्रदर, मेरे पापा के भाई, अंकल. माय मदर सिस्टर, मेरी मम्मा की बहन भी क्या होंगी, हमारी आंट. माय अंकल्स चिल्ड्रन, हमारे अंकल के चिल्ड्रन क्या होंगे, हमारे कजिन. माय मदर्स पेरेंट आर अवर, वो भी हमारे क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स. ये क्लास सेकेंड और थर्ड में आप पढ़ोगे पैटर्नल, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटर्नल, तो इस तरीके से बाद में आएगा, अभी सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो. इस तरीके से भी आप बच्चे को एक वर्कशीट दे सकते हैं, अनस्क्रैम्बल द लेटर, मीन्स स्पेलिंग आप इधर उधर कर दीजिए, जैसे एम ओ टी एच ई आर, ये क्या है, मदर. इसी तरीके से ये क्या होगा, एफ ए टी एच ई आर फादर. ये क्या होगा, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर. जो छोटी छोटी बस इतनी सी स्पेलिंग आप बच्चे को लर्न करनी है. इसी तरीके से ये क्या होगा, सिस्टर. फिर ये क्या होगा, ग्रैंड, एम वाला है तो ये मदर. तो आप बच्चे को इस तरीके से भी प्रैक्टिस करा सकते हैं. फिर आप ये भी दे सकते हो, राइट द मिसिंग लेटर, जैसे बे बी फैमिली, अंकल, ब्रदर, ग्रैंड मदर, आंट, पेरेंट्स, सिस्टर. तो इस तरीके से भी आप एक फिलअप दे सकते हो. चलिए चलते हैं आगे. नेक्स्ट आप किस तरीके से दे सकते हो, टिक द करेक्ट वर्ड. जैसे ये दो वर्ड्स मैंने ऑप्शन में दिए हैं, अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली. जिस स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली कौन सी होती थी, न्यूक्लियर होती थी. या तो सर्कल कर दो या टिक कर दो. अ न्यूक्लियर ज्वाइंट फैमिली इज बिग फैमिली. बिग कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है. अवर्स, अवर फादर्स ब्रदर इज अवर अंकल होंगे कि आंट होंगे, अंकल होंगे. आई एम अ बॉय, अगर मैं बॉय हूं तो आई एम अ निफ्यू या नीस ऑफ माई अंकल, तो क्या होगा, निफ्यू होगा. चिल्ड्रेन ऑफ अवर अंकल एंड आंट आर अवर निफ्यू होंगे, कजिन्स, कजिन्स. अब इसी तरीके से आप मैचिंग भी कर सकते हो, जैसे निफ्यू, निफ्यू, पेरेंट्स, पेरेंट्स, मदर, मदर, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, फादर, फादर, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, ब्रदर और सिस्टर. इस तरीके से आप एक बच्चों की वर्कशीट बना सकते हैं. फिर आप एक वर्कशीट इस तरीके से दे सकते हो, स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स क्योंकि क्लास फर्स्ट में भी बच्चों को काफी ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं, इवन यूकेजी में भी कहीं छोटे छोटे, मतलब मीन्स ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में नहीं, राइट और क्रॉस के, टिक और क्रॉस के फॉर्म में पूछे जाते हैं. अ ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, ऐसे कर दीजिए, या फिर यस ट्रू. वी आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स, ट्रू. अवर फादर्स फादर इज अवर अंकल, नो. अवर फादर्स फादर इज अवर ग्रैंड फादर, फॉल्स. अवर अंकल्स वाइफ इज अवर आंट, ट्रू. माई ब्रदर इज माई सिबलिंग, ट्रू. तो ये इस तरीके से भी आप दे सकते हो. अब क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एक फैमिली ट्री जरूर बनवाना है अपने बच्चे को, या आप ये इनिशियल स्टेज में भी कर सकते हैं.
फैमिली ट्री में जैसे देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर अंकल, आंट, मम्मा पापा या मम्मी डैडी, या फिर आप अंकल, आंट, मदर, फादर लिखिए। आप ये नहीं कर सकते, मतलब मीन्स फोटो नहीं है तो आप ये देखिए, आप यहाँ पे ऐसे भी करवा सकते हो, जैसे यहाँ आपने लिख दिया ग्रैंडफादर, और यहाँ पे आपने कर दिया ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा फोटो लगाएगा या तो अपने ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की, या उसको स्पेलिंग याद है, या फिर कुछ भी, या जैसे उसको ये याद है, या बोलते हैं दादू बोलता है, यहाँ पे दादी बोलता है, तो इस तरीके से लिखेगा। मीन्स फैमिली ट्री एक पहले बनाना सीखे, फिर क्या है, जैसे अंकल, आंट, इसी तरीके से ये प्रोसीजर आगे जाएगा, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, मी, मम्मा, मदर, फादर, इस तरीके से। फोटो पेस्ट कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, या सिंपल लिख सकते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या फिर ये निकनेम लिख सकते हैं, जिससे कि बस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फैमिली ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।